वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं बोनस, तो डायरेक्ट शुरू करें। मूवी की शुरुआत आदि नाम के एक बंदे से होती है जो काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखता है एंड उसके दादाजी ने कंपनी शुरू की थी जिसे आदि और उसके पिता संभाल रहे हैं। दोस्तों आदि की बात की जाए तो उसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है और जाहिर सी बात है जब इतने पैसे होंगे तो एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। लेकिन ये आदि है ना जो इसका एटीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का है। उसका मानना है कि कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनका बोनस बंद कर दिया जाए, बाकी कंपनियां 2-3% बोनस देती है। लेकिन आदि के दादाजी ने यह नियम बनाया हुआ है कि वो अपने वर्कर्स को 15-20% बोनस देंगे क्योंकि ज्यादातर वर्कर्स पुराने हैं और काफी सालों से काम करते आ रहे हैं और यहाँ तक कि सभी वर्कर्स करीब घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनकी रोजी रोटी ही इन पैसों से चलती है। लेकिन ये आदि है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि उसकी कंपनी के वर्कर्स को ज्यादा बोनस दिया जाए। कहता है कि अगर ज्यादा बोनस दिया जाएगा तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों आदि के दादाजी उसे फैक्ट्री लेकर आते हैं ताकि बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर फैसला कर सके कि बोनस बंद किया जाए या नहीं। अब आदि जैसे फैक्ट्री आता है तो वहाँ पर विनोद नाम के आदमी से कई सारे डब्बे गिर जाते हैं। आदि के दादाजी है ना जो देखिए क्या करते हैं, सारे डब्बे सही करने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन आदि को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग काम भी ढंग के नहीं कर पाते और चले आते हैं बोनस लेने के लिए। अब कंपनी के सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है जहां आदि अपने दादाजी से कह रहा होता है कि देखा ना दादाजी, आपने विनोद को ढंग से काम भी नहीं कर पाता और आप होगी बोनस पे बोनस दे रहे हो। ये सुनकर तो आदि के दादाजी को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें उसकी सिर्फ एक गलती दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखता कि वो 10 घंटे डेली काम करता है और जरूरत पड़ने पर 16 घंटे भी काम करके जाता है। कभी 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 उसने एक भी बार शिकायत की है नहीं ना। आखिर ऐसे लोगों को मैं बोनस नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। एक बात बताओ, तुमने कभी इस तरह की जिंदगी गुजारी है। ये वर्कर्स कितने कम पैसों में जिम्मेदारियां संभालते हैं। जब संभालोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें ये बोनस के पैसे इतने खुशी क्यों देते हैं। दोस्तों ये सुनकर आदि का पारा ही चढ़ जाता है। वो दादाजी से कहता है कि दादाजी आपके कहने का ये मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूँ। मुझसे ज्यादा काबिल वो विनोद और बाकी वर्कर्स है ना आपकी नजर में। दादाजी कहते हैं बेटा तुम मेरी बात गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। जिसके बाद दोस्तों दादाजी सभी आए हुए मेंबर्स से वोटिंग रखवाते हैं कि कौन कौन चाहता है कि बोनस हटा दिया जाए और कौन नहीं चाहता। तब बोनस हटा देने के लिए 4 वोट पड़ते हैं और 4 नहीं, पर जिससे ये फैसला टाई हो जाता है दोस्तों। और दादाजी कहते हैं कि देखो 1 महीने का टाइम रखते हैं, 1 महीने के बाद फिर से मीटिंग होगी, अगर वोटिंग परसेंटेज किसी तरफ का बढ़ता है तो वही फैसला आगे माना जाएगा। आदि भी दादाजी से कहता है कि ठीक है दादाजी अब ये तय रहा, लेकिन इस 1 महीने में मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं किस काबिल हूँ। मैं पूरा 1 महीने इन्हीं वर्कर्स की तरह रहूंगा, उनकी तरह जिंदगी गुजारूंगा और अगर मैंने 1 महीने का चैलेंज पूरा कर लिया तो अगली मीटिंग में आपको बोनस ना देने पर वोट करना होगा। दादाजी भी दोस्तों मान जाते हैं और आदि से कहते हैं कि 1 वर्कर करीब 8-10 हजार रुपए महीने कमाता है, उसी में अपना गुजारा करता है, इसलिए तुम अपने पास सिर्फ 5 हजार रख सकते हो, 5 हजार, ताकि रहने का बंदोबस्त हो जाए। उसके बाद आगे का खर्चा तुम्हें खुद चलाना होगा, खुद का पेट भरना होगा, सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा अपनी मेहनत से। आदि भी दोस्तों मान जाता है। मजा आ रहे हैं दोस्तों कहानी सुनने में, कोई बात नहीं आगे और देखिए मजा आएगा। अगले दिन से आदि का चैलेंज होता है शुरू और वो सूटकेस में कुछ कपड़े और जेब में 5 हजार रुपए लिए मुंबई आ जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वहाँ आने के बाद वो एक एजेंट से मिलता है ताकि सस्ते में कोई घर मिल जाए जिससे 1 महीना उसके सर पर छत तो रहेगी कम से कम। तो एजेंट आदि को मुंबई के चौल में लेकर आ जाता है क्योंकि 5 हजार रुपए में मुंबई में ऐसी सोसाइटी मिलेगी भाई, कोई बढ़िया वाला चीज तो मिलेगा नहीं और यहाँ पर तो बाथरूम तक नहीं होता। मजाक था दोस्तों, मजाक होता है। तो अब जैसे आदि वो घर देखता है जो उसे 5 हजार में मिला था, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा हॉल होता है जो कि बेड से पूरा गिर गया था। यहाँ तक कि घर में बाथरूम भी नहीं था दोस्तों। बाथरूम यूज करने के लिए चौल में बने बाथरूम का इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस्तेमाल सारे चौल वाले करते हैं, और लाइन में लगना पड़ेगा अपना अपना डिब्बा लेके। बेचारा आराम के गद्दों पर सोने वाला, सारा दिन एसी की हवा खाने वाला, अब बताओ इस तरह रहने के लिए मजबूर है। लेकिन बढ़िया है, सबक तो सीखेगा कम से कम। और दोस्तों ये उसको 4 हजार रुपए में मिल जाता है और अब 1 हजार से कुछ दिनों तक उसको खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा जब तक उसे कोई काम नहीं मिल जाता। अगले दिन की बात है, आदि बाथरूम यूज करने जाता है लेकिन इससे पहले वो अंदर जाता है, वहाँ पर बैठे लड़के उसे कहते हैं कि ओ हीरो इधर देख ले, सुबह से लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, तूने क्या रिजर्वेशन लेके रखी हुई है पहले से जो सीधे अंदर जा रहा है। आदि तो ये सुनकर परेशान हो जाता है कि यार बाथरूम के लिए भला कौन लाइन लगाता है। लेकिन दोस्तों आज उसका इस मोहल्ले में पहला दिन था तो वो लड़के उसे बिना लाइन में लगे ही बाथरूम यूज करने देते हैं क्योंकि पहला दिन था। पर जैसे ही वो अंदर जाता है छी छी तुरंत बाहर, क्योंकि वो इतना गंदा होता है कि उसे वॉमिट आ जाती है। इसलिए आदि हल्का होने के लिए मॉल चला जाता है और वहां से फ्रेश होकर तब घर आता है। अब रात को मोहल्ले में किसी की शादी होती है, इसलिए आदि भी तुरंत वहां जाता है ताकि रात के खाने का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन वहाँ सारी चीजें नॉनवेज थी और आदि ठहरा वेजिटेरियन,
इसलिए वो कुछ रोटी और समोसे ले लेता है। लेकिन तब पड़ोस में रहने वाली लड़की मिनल आदि को बताती है ये समोसा भी नॉन वेज है। बेचारा आदि काफी टाइम से भूखा था और खाना मिला भी तो ऐसा जिसे वो खा नहीं सकता, इसलिए वो रोटी और सलाद को ही खा लेता है ताकि पेट तो भर जाए कम से कम। अगले दिन की बात है, आदि काम ढूंढने निकल जाता है और उसकी तलाश उसे एक जूते की दुकान पर ले आती है जहाँ पर स्टोर रूम में काम करने के लिए लड़कों की जरूरत थी। दुकान का मालिक आदि को बताता है कि देखो तुम्हें स्टोर रूम के लिए रखा जा रहा है, लेकिन कभी भीड़ ज्यादा हो गई तो सेलिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ, पर उसका बोनस मिल जाएगा तुम्हें, और हाँ हमारी तरफ से खाना भी मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक काम करना है, इसलिए तुम्हें महीने में 4,000 रुपए मिलेंगे। हर हफ्ते में तुम्हें 1,000 दिया जाएगा। आदि ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इतने कम पैसे, 20-30 हजार में डेली जेब में लेकर घूमता था और अब ये, खैर छोड़ो क्या ही कर सकते हैं, एक महीने की तो बात है कर लेता हूँ। वैसे भी लग तो रहा है दुकान एसी वाली है, घर पर तो एसी भी नहीं है, कुछ तो टाइम निकलेगा यहाँ ठंडे में। जिसके बाद आदि एक टिफिन सर्विस पर आता है जो घर किसी और का नहीं बल्कि मिनल का ही था। इसीलिए मिनल उसे कहती है ठीक है जब भी काम पर जाना हो उससे पहले मैं टिफिन तैयार करके रख दूंगी। साथ ही दोस्तों मिनल ने उसको डिस्काउंट भी दिया था, तो अब थोड़ा और खर्चा निकालने के लिए आदि के पास थोड़े पैसे बचे होते हैं। अगले दिन जब आदि दुकान पर आता है तो कस्टमर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको सेलिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन आदि को जूता पहनाना ही नहीं आता। वो जब एक बच्चे को जूता पहना रहा होता है ना, तो जबरदस्ती पहनाने की वजह से बच्चे के पैर में दर्द होने लग जाता है। फिर क्या था, ये देखकर बच्चे के पिता आदि को चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, जूता पहनाना नहीं आता तो दुकान में क्यों आ गए। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पर रख देता है ये मालिक। ये सुनकर आदि का ईगो हर्ट हो जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे ऐसा कहने की, इसलिए वो भी उस कस्टमर पर चिल्ला देता है और इस तरह दोनों में हो जाती है बहस। लेकिन दुकान का मालिक जैसे तैसे उनका झगड़ा सुलझा लेता है। अब थका रहा आदि रात को घर आकर तुरंत सो जाता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती कि तभी घर की पाइपलाइन खराब हो जाती है जिससे सारा का सारा पानी आदि के ऊपर गिरने लगता है। बेचारा आदि थका ही था कि अब उसको एक और काम आ जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को सुखा कर दुकान जाता है क्योंकि उसको काफी देर भी हो चुकी थी। दुकान वाला भी काफी गुस्से में होता है पर पहली बार की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहता। वही दुकान के अंदर काम करने वाला अमित नाम का बंदा 15,000 के जूतों को पहन कर चेक कर रहा होता है कि यार ये कितने अच्छे हैं, लेकिन इसे खरीदने में मेरी 4 महीने की सैलरी लग जाएगी। लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं ये जूते पहनना। तो आदि कहता है जब पैसे है ही नहीं तो इसको देख क्यों रहा है, अपनी औकात के हिसाब से देखा कर, चल निकल यहाँ से, वैसे भी आज बहुत काम है, चल जल्दी चल। जिसके बाद वो दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। दोस्तों अब रात को दोबारा आदि को काफी ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि सुबह पाइपलाइन खराब होने की वजह से भीग जो गया था वो, उसी की वजह से उसको ठंड और बुखार चढ़ गया है जिस वजह से उसे खड़े होने तक की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए आस पड़ोस के लड़के उसे पास के क्लिनिक में लेके जाते हैं। वहां आने के बाद डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आदि को चेक करता है और अपने क्लिनिक की कुछ अलग अलग कलर की दवा देकर कहता है कि इसे खा लेना, ठीक हो जाओगे जल्दी। अब दोस्तों आदि ठहरा अमीर बाप का बेटा, उसे छींक भी होती थी तो बड़े बड़े डॉक्टरों की लाइन लग जाती थी जिनकी दवाइयों पर ही उसे बड़ा भरोसा था। लेकिन आदि को इस सस्ते डॉक्टर की दवाई दी गई जिसपे उसको बिल्कुल भरोसा नहीं होता। सोचता है कि आखिर रंग बिरंगी दवा खाकर मैं ठीक भी होऊंगा या कहीं मेरी और तबीयत खराब न हो जाए। इसीलिए वो क्लिनिक में ही अपने 4 दोस्तों को फोन करके पूछता है। तब उसका दोस्त बताता है कि मुंबई में लोग ऐसी दवा खाकर इलाज करवाते हैं, कुछ नहीं होगा तुझे, लेकिन हाँ अगर तुझे शक है तो तब भी क्या कर सकते हैं, ये काम कर बड़े डॉक्टर के पास जा और अपना टेस्ट वगैरह करवा, वही बता देगा कि क्या हुआ है तुझे। अब इनकी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वहां पर मीनल आ जाती है जिससे पता चल चुका था कि आदि है कौन। उसने आदि की फेसबुक प्रोफाइल देख ली थी दोस्तों। आदि भी घबरा जाता है कि यार आईडी तो हाइड कर ही नहीं मैंने, बड़ी मुश्किल हो गई अब। लेकिन मिनल कहती है चिंता मत करो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद वो आदि को उसके घर लेकर आ जाती है। आदि उसे अपने 1 महीने के चैलेंज के बारे में बताता है कि उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कहता है आखिर तुम लोग इस तरह कैसे अपना जीवन गुजार लेते हो, इतना कम पैसे में कैसे हो पाता है। तो मिनल बताती है हम अमीर नहीं है, हम छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढते हैं, एक दूसरे का साथ देने पर यकीन करते हैं, हमारा एक दूसरे पर भरोसा है। अगर तुमने भरोसा किया होता तो ये रंग बिरंगी दवा खा लेते चुपचाप, लेकिन तुमने भरोसा ही नहीं किया। माना कि हमारे पास पैसे कम होते हैं लेकिन उन्हीं पैसों से हम दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तुमने क्लिनिक से दवा ले ली जिसके 200 रुपए होते हैं, क्या तुमने वो पैसे भरे? नहीं ना, जो लड़के तुम्हें क्लिनिक लेकर आए थे उन्होंने ही तुम्हारे पैसे भर दिए, क्योंकि हम कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। और दोस्तों फाइनली मिनल की ये बात आदि के दिल पर लग जाती है कि हाँ यार मिनल बात तो सही कह रही है, यहाँ के सारे लोग कितने खुश हैं, इतना तो लोग महल में भी खुश नहीं रहते। इसलिए उस रात वो भरोसा करके वो रंग बिरंगी दवा खा लेता है ये कहते हुए कि भगवान कल सुबह जिंदा उठा देना। और दोस्तों अब कल सुबह जैसे ही आदि की आंख खुलती है वो अपने आप को एकदम फिट और तंदुरुस्त पाता है। फ्रेश होने के बाद आदि दुकान पर जाता है, लेकिन वहां पर आने के बाद उसे पता चलता है कि अमित तो आज काम पर आया ही नहीं। इसके बाद जैसे ही एक कस्टमर को दिखाने के लिए आदि 15,000 वाले जूतों का डब्बा खोलता है,
उसके अंदर अमित के पहने हुए जूते होते हैं, क्योंकि असली वाले जूतों को अमित ने चुरा लिया था और वो काम छोड़कर भी भाग निकला। दोस्तों बताओ यार, अब दुकान का मालिक तो आधी पर चिल्लाता है कि तुम दोनों का काम था ना स्टोर रूम संभालने का, तो ऐसे कैसे वो चोरी करके भाग गया? ध्यान नहीं देते क्या तुम? आदि का दोस्तों दिमाग खराब हो जाता है कि एक तो मैंने चोरी नहीं की, ऊपर से दुकान वाला मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है। दुकान वाला कहता है कि 15,000 का नुकसान कर दिया, तेरी तो 4 महीने की सैलरी गई, अब तुझे 4 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा। पता नहीं कहां से निकम्मे काम करने आ जाते हैं। दोस्तों ये सुनकर आदि अब दुकान वाले से भिड़ जाता है कि देख देख ज्यादा मत बोल, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अभी खड़े खड़े तेरी दुकान खरीद सकता हूँ मैं। दुकान वाला कहता है वे कर क्या लेगा, मानी का बेटा है क्या तू, रुक अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझे सिखाएंगे क्या होती है अमीरी। इतना कहकर दुकान वाला पुलिस को बुला लेता है, जो आदि को गाड़ी में बिठा कर कहते हैं कि मामला इधर सेटल करना है या जेल में। आदि के पास सिर्फ 200 रुपए बचे थे, वो भी उन पुलिस वालों को देकर घर आ जाता है। लेकिन आदि को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि जहां भी मुझे वो अमित का बच्चा दिख जाए उसको मार कर खत्म कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों उस अमित की वजह से ही इसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। घर आकर आदि बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठा होता है, तब मीनल उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। आदि बताता है कि 5 दिन बचे हैं बस, लेकिन मैं 5 दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ चैलेंज छोड़ के, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे दादाजी बिल्कुल सही कहते थे, मैं किसी भी लायक का नहीं हूँ। लेकिन तब मीनल उसे समझाती है, तुम तो बस इतनी सी परेशानी से हार मान रहे हो, हम लोग डेली काम करते हैं और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन भूखे सो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, अगले दिन फिर से काम की तलाश में निकलते हैं, इसीलिए तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कर पाओगे, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम किस काबिल हो। ये सुनकर आदि मीनल से कहता है, आज मुझे फाइनली पता चल गया है कि तुम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, भूख बेइज्जती ताना सब कुछ खा कर भी तुम सब खुश रहते हो, आज से तुम सबके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है सच बताऊं तो। यहाँ दोस्तों आदि ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद दादाजी से कहेगा कि बोनस कम ना करें और महीना पूरे होने पर जो मीटिंग होगी उसमें वो खुद वोट करेगा कि बोनस दें। जिसके बाद आदि बचे हुए 5 दिन मोहल्ले के लोगों के साथ बिताता है, जो 5 दिन गुजार कर उसको बहुत बढ़िया लग रहा था। और जैसे ही 1 महीना पूरा होता है आदि के दादाजी उसको लेने आ जाते हैं, और तब बड़ी सी गाड़ी में आदि को जाता हुआ देखकर मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमीर है और हमने तो उसको कुछ ऐसा ही समझ लिया था। मूवी के आखिरी सीन में अमित आदि को फोन करके कहता है कि भैया मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, मैंने दुकान के मालिक से कह दिया है कि मैं 4 महीने बिना पैसे के काम करके 15,000 चुका दूंगा, उसने तो माफ कर दिया, अब आपकी बारी है, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दो। तब दोस्तों ये सुनकर आदि को अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इसे अक्ल तो आ गई। वो अमित से कहता है कि 15,000 की टेंशन मत ले, वो पैसे मैं भर दूंगा, लेकिन हाँ आगे से कभी चोरी मत करना। आदि को बिल्कुल बदला हुआ देखकर उसके दादाजी बड़ी खुश रहते हैं दोस्तों कि आज मेरा पोता वैसा बन गया जैसा मैं उसको देखना चाहता था। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।